चलिए आज बनाते हैं बड़े की कलेजी। बड़े की कलेजी बनाने के लिए हमने कलेजी को 5 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में रख दिया था ताकि इसका स्मेल निकल जाए। और यहाँ मैंने ना छोटी सी क्यूब्स इसके कट कर लिए हैं ताकि मैं एक बाइट में एक क्यूब्स ले सकूं। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो मसालेदार कलेजी बना रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनती है और ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा। तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, मिक्स करके हमने इसे रख दिया तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। साथ ही मैंने जो एक मसाले का मैरिनेशन का जो पेस्ट बनाया था वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। तो यहाँ मैंने दही में लहसुन अदरक तो हमने पहले ही डाल लिया है, तो हमने दही में हल्दी मिर्च नमक धनिया डाला है और इसी को कलेजी के अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको मैश करके मिक्स कर देंगे। तकरीबन हमने इसे 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5 से 7 मिनट हो जाएंगे ये। तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेना है, हमने यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेनी है। गोल्डन फ्राई करने के बाद हमने आधी से ज़्यादा हमने निकाल लेनी है, थोड़ी सी छोड़ देनी है इसमें। यहाँ पर जो मैंने प्याज लिए थे वो 2 प्याज ली थी, देखिए थोड़ी सी मैंने छोड़ दी ना, इसके साथ ये भुनेगी। तो इसको हम अच्छे से भूनते हैं और इसका जो है टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्लेवरफुल लगते हैं ये। ढककर हम तकरीबन इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। मैंने इंडक्शन पे बनाया है इसलिए मैंने सबसे लो जो नंबर होता है ना इसका फ्लेम का मैंने वो रखा है। आप गैस पे बना रहे हैं तो आप गैस पे भी सबसे लो पे बनाइएगा क्योंकि उसमें पानी नहीं पड़ेगा ना। और यहाँ पर मैंने टमाटर प्यूरी डाली है, टमाटर प्यूरी के साथ मैंने इसमें डाला था जो प्याज हमने भुनी है वो भी डाल दी है। तो इसके साथ ये भुनेगा और भुनने के बाद देखिए इस तरीके से ये फ्लेवरफुल मसाला एकदम तैयार हो जाएगा। इसे ढक के फिर रख देंगे हम 10 मिनट के लिए, तो तकरीबन आपको 20-25 मिनट के लिए ये तैयार हो जाएगी। लो फ्लेम में रखेंगे ना तो इसका जो पानी निकलेगा ना और इसमें जो भुनेगी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो गार्निश के लिए धनिया और मिर्च से गार्निश करिएगा और रुमाली रोटी या फिर हाथ की रोटी या फिर आप तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे रूखी भी खा सकते हैं। ईद पे बहुत ही ज़्यादा सबके घर में बनती है कलेजी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो लीजिए ट्राई करिएगा, एक बाइट में लेके देखती हूँ ये कितनी यम्मी सी लगी है देखने में, बहुत ही टेस्टी लग रही है और मज़ा आया, मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है। तो आप भी इंजॉय करिएगा।